गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स बेटा, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था वेक्टर्स के बारे में, टाइप्स ऑफ वेक्टर क्या कितनी होती है। हमने सारे वेक्टर्स को बारी बारी डिस्कस किया था। आगे हम पढ़ते हैं वेक्टर ऑपरेशंस। वेक्टर ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? वेक्टर ऑपरेशन का मतलब होता है कि भाई हम किस प्रकार से वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं, किस प्रकार से सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, और फिर उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए कौन कौन से हमारे पास तरीके हैं, उनको कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो वेक्टर ऑपरेशंस में हमारे पास क्या क्या है? पहला जो है एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। ठीक है, दूसरा है मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, एक चीज बताना चाहूंगा, यहां पे नोट करके आप लिख सकते हो, नोट करके, कि एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से डिवाइड नहीं किया जा सकता, और अगर डिवाइड भी करेंगे तो उसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस हमारे पास नहीं रहेगा। ठीक है, तो डिवीजन ऑफ ए वेक्टर, बाय अनदर वेक्टर इज नॉट सिग्निफिकेंट। मतलब उसका कोई महत्व नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा अगर हम एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो वेक्टर ऑपरेशन में अपने को क्या क्या करना होता है? एडिशन और सब्ट्रैक्शन करनी होती है, दूसरा अपने को क्या करना पड़ता है? मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन को देखते हैं सबसे पहले। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में अपने पास मेथड्स ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने के बेसिकली दो तरीके अपने पास वेक्टर्स को। पहला जो तरीका है द फर्स्ट मेथड एंड सेकंड मेथड। फर्स्ट इज वी हैव एनालिटिकल ज्योमेट्रिकल मेथड। पहला हमारे पास है बेटा ज्योमेट्रिकल मेथड, दूसरा है एनालिटिकल मेथड। दो मेथड हम पढ़ेंगे, एक ज्योमेट्रिकल मेथड पढ़ेंगे, दूसरा हम पढ़ेंगे एनालिटिकल मेथड। इनको बारी बारी स्टडी करते हैं। ठीक है, ज्योमेट्रिकल और एनालिटिकल। आई होप आप लोगों को ये चीज क्लियर हो गई होगी। दोबारा से एक बार डिस्कस कर लेते हैं। वेक्टर ऑपरेशंस में वेक्टर ऑपरेशन का मतलब है कि वेक्टर्स की एडिशन करना, सब्ट्रैक्शन करना और मल्टीप्लाई करना। ठीक है, मैंने आपको बताया था वेक्टर को सिंपली हम स्केलर लॉज से ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। जैसे मैंने आपको बताया था भाई 2 × 2 कि सिंपली कितना होता है? 2 × 2 अपने पास कितना होता है बेटा? 4 होता है। 3 × 2 कितना होता है? 6 होता है। ये हमने सिंपली क्या हुआ है? स्केलर लॉज हमारे क्या है? अलजेब्रिक, सिंपल अलजेब्रिक रूल्स है। लेकिन वेक्टर्स के लिए अलग से अलजेब्रा है। वेक्टर्स के लिए अलग से क्या? अपना अलजेब्रा है। तो उस अलजेब्रा को हम स्टडी करते हैं, वेक्टर के अलजेब्रा को। ठीक है, तो चैप्टर का नाम भी वेक्टर अलजेब्रा है, मैंने आपको बताया था। तो अलजेब्रा में एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लीकेशन तीनों चीज पढ़ेंगे। इसमें डिवीजन नहीं होता है वेक्टर्स के अंदर, बिकॉज एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से अगर डिवाइड करते हैं हम तो उसका कोई सिग्निफिकेंट मतलब सिग्निफिकेंस नहीं है। बिकॉज देखो सिंपल सी बात है भाई, अपने पास एक वेक्टर, मान लो एक वेक्टर क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट है ईस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, तो उसको वेस्ट डायरेक्शन से डिवाइड करेंगे तो कोई मतलब थोड़ी बनेगा। ईस्ट को वेस्ट से डिवाइड किया, नो सिग्निफिकेंस। मींस ईस्ट वेस्ट को डिवाइड करने से, ईस्ट को वेस्ट से डिवाइड करने से, वेस्ट को ईस्ट डिवाइड करने से कोई नई डायरेक्शन थोड़ी बनती है। डायरेक्शन तो वही रहनी है जो पहले थी। तो इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होना, इसलिए इसको हम स्टडी नहीं करेंगे। तो दूसरा, इसको एडिशन और सब्ट्रैक्शन के दो मेथड, एक ज्योमेट्रिकल मेथड और एक एनालिटिकल। ज्योमेट्रिकल मेथड का मतलब है कि हम ज्योमेट्री के हेल्प से पढ़ेंगे, और एनालिटिकल का मतलब हम मैथमेटिक्स के हेल्प से हम इसको एडिशन और सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन के तरीकों को स्टडी करेंगे। तो ये अपने पास ये है। तो इन सब को स्टडी करने के लिए अपने पास कुछ एक और टर्म्स आती हैं जो अपने को यहाँ पे स्टडी करनी है। जैसे सबसे पहले आता है बेटा अपने पास रिजोल्यूशन, सॉरी
रिजल्टेंट क्या आता है, रिजल्टेंट ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, तो देख लेते एक बार, इसको साफ कर देता हूं, यहां से कॉपी कर लेना। अपना जो है वो है रिजल्टेंट, रिजल्टेंट ऑफ रिजल्टेंट, सिंपली रिजल्टेंट बोल दो। रिजल्टेंट का मतलब क्या है, रिजल्टेंट बेटा एक वेक्टर होता है, सिंपली ए सिंगल वेक्टर। ठीक है, तो हम इसको कैसे बताएंगे, ए सिंगल वेक्टर, सिंगल वेक्टर विच गिव्स द सेम इफेक्ट एज द टू वेक्टर्स गिविंग टुगेदर। क्या मतलब हुआ कि भाई सिंगल वेक्टर होता है, रिजल्टेंट क्या होता है, एक सिंगल वेक्टर होता है जो सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करता है जितना दो वेक्टर मिलके प्रोड्यूस कर रहे थे। मतलब जितना दो वेक्टर काम कर रहे थे उतना ही काम अकेला करेगा, तो वो दोनों वेक्टर्स का क्या हो जाएगा, ये रिजल्टेंट हो जाएगा। इस वेक्टर इज सेड टू बी रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स इफ इट प्रोड्यूस द सेम इफेक्ट एज इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द टू वेक्टर्स, ठीक है, टुगेदर। तो इसको थोड़ा और तरीके से लिखना चाहे तो ऐसे बोल सकते हैं, ए वेक्टर, एक डेफिनेशन और लिख सकते हैं, ए वेक्टर इज सेड टू बी, सेड टू बी रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, टू और मोर हो सकते हैं, ठीक है, टू और मोर वेक्टर्स, या इसमें ज्यादा दो ही देते हैं, टू ऑफ टू वेक्टर्स, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स इफ इट इज प्रोड्यूसिंग, प्रोड्यूसिंग सेम इफेक्ट एज इट इज प्रोड्यूस्ड बाय एज इट इज प्रोड्यूस्ड बाय ए प्रोड्यूस्ड बाय द टू वेक्टर्स टुगेदर। ठीक है, मतलब ये हुआ कि दो वेक्टर हमारे पास, ठीक है, ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर है। ठीक है, इसको मैं आगे चल के थोड़ा और डिटेल से बता दूंगा, फिलहाल सुन लो इसको, कि इन दोनों का रिजल्टेंट निकालने के लिए कहा जाए कि भाई ये दोनों थीटा एंगल पे एक्ट कर रहे हैं, कितने एंगल पे एक्ट कर रहे हैं, थीटा एंगल पे। ठीक है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो हमारे पास क्या होगा, हम उसको आर नाम दे देते हैं। क्या नाम दे देते हैं, आर नाम, वो कहीं भी हो सकता है, मैं आगे उसको आके आपको बता दूंगा। बोला जाए कि इन दो का रिजल्टेंट बताओ तो हम रिजल्टेंट को आर नाम देंगे, और क्या बोलेंगे कि भाई इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो अकेला इतना ही काम करेगा जितना मिलके ये दोनों काम कर रहे थे। ठीक है, तो वो होता है बेटा रिजल्टेंट। तो दिस इज इंपॉर्टेंट टर्म, अपने को याद रख लिया। ठीक है, तो ये होता है रिजल्टेंट। आगे चलते हैं, ठीक है, तो रिजल्टेंट के बाद हम अब स्टडी करते हैं कि मैंने आपको दो मेथड बताए इनको स्टडी करने के लिए, मेथड्स ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन, मेथड्स ऑफ, या कौन सा मेथड स्टडी करते हैं हम, पहले कर लेते हैं सिंपली ज्योमेट्रिकल मेथड, ज्योमेट्रिकल मेथड ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन, और सब्ट्रैक्शन। ठीक है, ये स्टडी करते हैं ज्योमेट्रिकल मेथड ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो ज्योमेट्रिकल मेथड में क्या है, ठीक, देखो पहले जो मेथड है हमारे पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन का, वो मेथड है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है, जस्ट सी इट,
देखो बेटा ट्रायंगल लॉ ऑफ फैक्टर एडिशन कहता है कि हम यदि हमारे पास दो वेक्टर हैं, यदि हमारे पास कितने वेक्टर हैं, दो वेक्टर हैं और दोनों किसी एंगल पे एक्ट कर रहे हैं थीटा एंगल पे, देन हम उनको टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब दो वेक्टर हैं इस प्रकार से ए वेक्टर और बी वेक्टर, दोनों कितने एंगल पे हैं, थीटा एंगल पे, कितने एंगल पे हैं, थीटा एंगल पे, देन उन दोनों वेक्टर्स को हम इसी ट्रायंगल की दो साइड्स के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसी ट्रायंगल की दो साइड्स के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस प्रकार से ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है। और उनका जो रिजल्टेंट होगा वो थर्ड क्लोजिंग साइड के रूप में दिया जाएगा, उनका रिजल्टेंट होगा वो थर्ड क्लोजिंग साइड के रूप में दिया जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको स्टेटमेंट लिख देता हूं फिर अच्छे से क्लियर हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस नियम के अनुसार इफ टू एक्टर्स आर एक्टिंग एट एन एंगल थीटा, कितने एंगल पे एक्ट कर रहे हैं, थीटा एंगल, दो वेक्टर ए और बी, मतलब ये दो फोर्स हैं, एक इसको इधर खींच रहा है एक इसको इधर खींच रहा है, तो ये पॉइंट किधर जाएगा, रिजल्टेंट का मतलब क्या है, ये पूछना चाह रहा है अपने से, ये पॉइंट है वो किधर जाएगा, मतलब यहां पे जो वस्तु रखी हुई है वो किधर जाएगी, ठीक है। तो देखो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इफ टू वेक्टर्स आर एक्टिंग एट एन एंगल थीटा देन दे कैन बी, दे मतलब दोनों वेक्टर्स ए एंड बी, दे कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल, टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल By taking in same order का मतलब भी मैं बताऊं आपको, by taking in same order and their resultant is given by the third closing side of the triangle, taking in opposite direction, taking in opposite direction, मतलब क्या हुआ कि इस नियम के अनुसार यदि दो वेक्टर किसी थीटा एंगल के ऊपर एक्ट कर रहे हैं तो उनको हम ट्रायंगल की, किसी भी ट्रायंगल की दो साइड्स के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किसी भी ट्रायंगल की दो साइड के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ओके। टेकिंग इन सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर का मतलब क्या है कि ये इसका जो हेड है, सेम ऑर्डर का मतलब सुनो बेटा, इसका जो हेड है पहले वेक्टर का दूसरे के टेल के साइड साथ कोइंसाइड करना चाहिए। देखो कोइंसाइड में पहले ए वेक्टर का हेड है, दूसरे का क्या है, टेल है, तो ये जो है ये क्या है, अपने पास सेम ऑर्डर है और उनका रिजल्टेंट है क्लोजिंग साइड ऑफ द ट्रायंगल, टेकिंग इन अपोजिट ऑर्डर। अपोजिट ऑर्डर का मतलब क्या है, टेल टेल के साथ कोइंसाइड करे और हेड हेड के साथ, ठीक है। दोबारा से सुन लो, सेम ऑर्डर का मतलब क्या है कि हेड टेल के साथ कोइंसाइड करे, सेम का मतलब हेड है वो टेल के साथ, और अपोजिट ऑर्डर का मतलब है कि हेड है वो हेड के साथ और टेल है वो टेल के साथ कोइंसाइड करे, तो वो जो होता है हमारे पास क्या होता है, अपोजिट ऑर्डर। तो ये जो हो जाएगा बेटा अपने पास क्या हो जाएगा, ट्रायंगल लॉ, ठीक है। और इनके बीच में जो थीटा एंगल है, देखो यहाँ पे थीटा एंगल किस किस के बीच में, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है तुम्हें अच्छे से समझना है। देखो क्या है कि जो एंगल थीटा है वो किस किस के बीच में है, टेल और टेल के बीच में है। देखो ए का टेल है, बी का भी टेल है, तो एंगल जो लिया जाता है दो वेक्टर्स के बीच में वो हमेशा टेल के बीच में लिया जाता है, टेल के बीच में। तो यहां पे भी देखो, यहां पे ये एंगल तो लेंगे नहीं, क्यों नहीं लेंगे,
क्योंकि देखो पहले वेक्टर का तो हेड है यहाँ पे और दूसरे का क्या है टेल, दोनों का टेल होना चाहिए। तो हम क्या करें इसको थोड़ा आगे की तरफ बढ़ा देते हैं, तो हेड इधर चला जाएगा ए वेक्टर का, तो ये ए वेक्टर का क्या रह गया टेल रह गया ना यहाँ पे, तो ये हो गया बेटा टेल रह गया थीटा एंगल, और ये भी टेल हो गया और ये भी क्या हो गया टेल, तो ये हो गया ए और बी के बीच में थीटा एंगल। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा ये चीज, ठीक है। तो ये एंगल थीटा हो गया अपने पास ए और बी के बीच में, ये अच्छा वेक्टर की प्रॉपर्टी होती है, वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं हम, ये चीज ध्यान रखना कि वेक्टर को मैं यहां से यहां भी ले जा सकता हूं, मतलब इसको यहां भी ले जा सकता हूं यहां भी ले जा सकता हूं, तो वेक्टर की प्रॉपर्टी है वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो ये बेटा अपने पास ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर डिफरेंस, दोबारा से सुन लो, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इस नियम के अनुसार दो वेक्टर किसी एंगल थीटा के ऊपर एक्ट कर रहे हैं तो उनको हम ट्रायंगल की दो साइड्स के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय टेकिंग इन सेम ऑर्डर एंड देयर रिजल्टेंट इज गिवन बाय, उनका रिजल्टेंट है वो कैसे दिया जा सकता है बाय द थर्ड क्लोजिंग साइड ऑफ द ट्रायंगल टेकिंग इन अपोजिट ऑर्डर। तो ये जो हो जाएगा अपने पास रिजल्टेंट है, आर क्या है इनका रिजल्टेंट है, तो आर किसके बराबर होगा यहां पे मैं बता देता हूं, थोड़ा यहीं पे लिख देता हूं, ठीक है इसको लिख लेना फेयर नोट बुक में। आर किसके बराबर होगा बेटा, आर जो होगा देखो आर जो होगा हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, आर इज इक्वल टू ए प्लस बी के बराबर, सॉरी ए प्लस बी के बराबर आ जाएगा, आर किसके बराबर आएगा हमारा ए प्लस बी के बराबर आ जाएगा। आई होप आप लोगों को ये चीज क्लियर हो गई होगी, ठीक है ठीक है, आर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है ना। अच्छा अगर a माइनस बी करना होता तो हम क्या करते हैं, बहुत ही आसान है, इसका देखो वेक्टर b को माइनस लेना है तो इसको मैंने आपको नेगेटिव वेक्टर बताया था, नेगेटिव वेक्टर में क्या था कि एक वेक्टर को दूसरे का नेगेटिव तब कहेंगे जब उनका रिजल्ट सॉरी उनका मैग्नीट्यूड तो क्या हो सेम हो बट डायरेक्शन क्या हो अपोजिट हो, तो इसको क्या कर दो इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ है ना, इसकी डायरेक्शन जस्ट नीचे की तरफ ले आओ, इसको मैं साफ कर देता हूं यहां पे, ठीक है ठीक है, ये आप उतार लेना, लुक ये जो है हमारे पास R था, ये केस किसका था R इज इक्वल टू ए प्लस बी का था, किसका था R इज इक्वल टू ए प्लस बी का, और करके क्या लिख सकते हैं ये A वेक्टर हो गया, ये क्या हो गया हमारे पास देखो ये वेक्टर A B ऊपर की तरफ था ना, तो इसको जस्ट रिवर्स कर दो, ये क्या हो जाएगा B वेक्टर हो जाएगा माइनस B, क्या हो जाएगा माइनस बी, और ये उसका रिजल्टेंट हो जाएगा आर, तो आर किसके बराबर होगा भाई ए माइनस बी के बराबर आ जाएगा, आर इज इक्वल टू ए माइनस बी के बराबर, हेयर आर इज इक्वल टू ए माइनस बी हो गया बेटा अपने पास, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा, तो ये एडिशन का और सब्ट्रैक्शन का ये मेथड है, ठीक है, रिजल्टेंट होगा वो आर इज इक्वल टू ए प्लस बी, इसका मैथमेटिकल प्रूफ भी आप लोगों को दे दूंगा बाद में आगे चल के एनालिटिकल मेथड में, ठीक है, तो इसको अच्छे से आप लोगों को ध्यान रखना है कैसे ये चीज आती है हमारे पास, ठीक है। नाउ दूसरा जो है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, एक तो ट्रायंगल लॉ था, दूसरा हम पढ़ते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। ये ट्रायंगल लॉ था, वो है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, दूसरा क्या है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फैक्टर एडिशन, ठीक है। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फैक्टर एडिशन कहता है कि दो वेक्टर्स हैं ए एंड बी, उनको हम दो पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड के रूप में ले सकते हैं ए एंड बी, ठीक है, यहां पे लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, टू वेक्टर्स एक्टिंग एट एन एंगल थीटा देन दे कैन बी रिप्रेजेंटेड by the two sides of a parallelogram, ठीक है पूरा लिख देता हूं,
पैरेललोग्राम एंड देयर रिजल्टेंट इज गिवन बाय रिजल्टेंट इज गिवन बाय द बाय देयर डायगोनल रिजल्टेंट है उनके डायगोनल से दिया जा सकता है। ठीक है, ये जैसे यहां पे ए वेक्टर था और ये क्या था बी वेक्टर था, तो उनका जो ए और बी के बीच में जो एंगल है वो थीटा है, तो उनका जो रिजल्टेंट होगा ये पैरेललोग्राम बन रहा है तो ये जो है आर के बराबर होगा। ए वेक्टर इधर हो गया, बी वेक्टर एक पैरेललोग्राम बन गया ना, तो पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड होगी, ये क्या होगी पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड होगी और ये रिजल्टेंट है वो डायगोनल से रिप्रेजेंट करेंगे और रिजल्टेंट किसके बराबर आ जाएगा आर इक्वल टू ए प्लस बी के बराबर आ जाएगा। आर किसके बराबर आ जाएगा ए प्लस बी के बराबर आ जाएगा। ठीक है, ये एडिशन का लॉ था, ये किसका था एडिशन का। और अगर सब्ट्रैक्शन का बताना हो किसका बताना हो सब्ट्रैक्शन का, तो सेम तरीका है, ये वेक्टर ए हो गया और अपने को लेना किधर है बी को लेना है इधर। ठीक है, ये हो गया भाई अपना बी, बी वेक्टर ले लिया, इसके अपोजिट लेना ना जिसको इधर लो, ए को बी को माइनस बनाना है, तो देखो ये इधर है। ठीक है, तो इसको इसकी डायरेक्शन उल्टी कर दो इधर जाएगी, तो ये माइनस बी हो गया, क्या हो गया माइनस बी, तो इसका पैरेललोग्राम इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, तो इनका जो एंगल है दैट इज ये कितना एंगल है इनके बीच में, अभी थीटा था तो अभी कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा हो जाएगा 180 माइनस थीटा, और उनका जो रिजल्टेंट होगा आर आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ए माइनस बी हो जाएगा, आर इज इक्वल टू ए माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो पैरेललोग्राम का ये नियम था कि यदि किसी भी एंगल थीटा के ऊपर दो वेक्टर एक्ट कर रहे हैं तो उन वेक्टर्स को हम पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड के रूप में ले सकते हैं और उनका जो रिजल्टेंट होगा वो हम पैरेललोग्राम की पैरेललोग्राम के डायगोनल से दे सकते हैं। ठीक है, ओके, अगर प्लस हो तो हमारे पास ए प्लस बी इस प्रकार से हो जाएगा और उसी का ए माइनस बी निकालना है तो बी का माइनस ले लो, किसका माइनस ले लो बी का माइनस। अच्छा, ये अगर बेटा अपने पास होता कि बी माइनस ए होता, क्या होता बी माइनस ए, तो हमें ए का नेगेटिव लेना पड़ता, मीन्स अभी ये जो ए इस तरफ है इसको ऐसे करना पड़ता इस तरफ। ठीक है, बाकी कुछ खास नहीं है, ये अपने पास दो मेथड थे एडिशन और सब्ट्रैक्शन के, ट्रायंगल लॉ ऑफ फैक्टर एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, तो इस प्रकार से ज्योमेट्रिकल मेथड हमने सीखा है, कल हम सीखेंगे एनालिटिकल मेथड या फिर मैथमेटिकल मेथड भी है रिजल्टेंट निकालने का, वहां से अपने को पता चलेगा कि r इज इक्वल टू ए प्लस बी कैसे आया। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।